1% भी काम नहीं रह गया, धंधा तो खत्म ही हो गया। आज एक हफ्ता हुआ बैठे हैं दुकान पे, बाकी सब बंद ही पड़ा था। अच्छा, मार्च से लेकर के ये अगस्त तक, अगस्त से ही शुरू हुआ समझो, अगस्त में अगस्त तक ही बंद रहा है सब। अभी तो काम चल रहा है, पहले कितने लोग कर्मचारी थे, अब कितने कर्मचारी रह गए? पहले काम कर्मचारी थे 8-10 रहते थे, अब तो 2-3 है, 4 है, 4 3 या 4 2। भाई हम लोगों का एक होली में एक हफ्ता बंदी होती है, 27 बंदी हो जाती है होली में। मेला बाद बाजार खुलता है, मेला बाद बाजार खुला, मेले के बाद में बाजार खुला, काम चालू हुआ, व्यापारियों का ऑर्डर आया, वो ऑर्डर गया, जो थोड़ा बेचा मान लो, और ऑर्डर जाने भाई एक हफ्ते बाद लॉकडाउन कर दिया, मंदिर सब बंद कर दिया। वो माल आज भी फंसा हुआ है, सब माल फंसा हुआ है आज भी, वो माल आज भी नहीं, आज तक नहीं बिका मेले में। रोज वहाँ पुलिस खड़ी हो जाती है मंदिरों के बाहर, मस्जिद के बाहर, गंगा जी के बाहर, कि वहाँ बंद करो, जो कोई स्नान होता है, दान होता है, सब वहाँ बंद करा देते हैं। और उसके अलावा यहाँ तक ठेके और सब शराब के ठेके सब खोल रखे हैं, और जो नहाना आदमी कहते हैं हाथ धो साबुन से, ये करो, भाई गंगा जी में आदमी स्नान करने जाता है, गंगा जी स्नान करने जाता है, नहाता धोता है सब, तो मंदिर जाता है आदमी, पहले मंदिर जाएगा, मंदिर के बाद हाथ धोएगा, पैर धोता है। ये बताइए कानपुर का जो रेवड़ी बाजार है, कितना भाई रेवड़ी, रेवड़ी व्यापार हम लोगों का यही जुड़ा हुआ है, मंदिर में जो जुड़ा हुआ है व्यापार, ये हमारा व्यापार ही हो, ये धार्मिक कार्यों से जुड़ा हुआ है। बाहर भी जाती थी कानपुर की? बाहर भी जाता, मान लीजिए तीर्थ स्थान है वहाँ जाता है, मंदिरों में सब, मस्जिदों में जाता है सब, ये सब अब जब से बंद कर दिया मान लो, और शराब भी ठेके खोल दिए ठेका। ये बताइए पहले कितने लोग यहाँ पे कारोबार से जुड़े थे और अब कितने लोग रह गए हैं? भाई कारोबार जुड़े थे यहाँ तो बहुत बर्बादी के आगारे पहुँच गए हैं, सब जगह पूंजी खा गए हैं सब यहाँ पे, तो आधी तो पूंजी खा गए हैं, बाजार का पैसा फंसा हुआ, लोग देने बाजार की दुकान बंद कर इसलिए भाग गए यहाँ से, उनको देना है शाम को, तकाती आ जाते थे पैसे लेने के लिए, अब लेबर जो है वो भी पैसा मांगने आ जाते, उसको पैसा नहीं दिया उन लोगों ने यहाँ पे, इसलिए यहाँ बाजार की स्थिति बहुत ख़राब हो गई यहाँ पे। ये कानपुर शहर का सबसे बड़ा रेवड़ी मार्केट है और ये घनी आबादी के बीच में है, यहाँ पे आसपास के जिलों से कारीगर आते थे, लगभग 200-250 कारीगर काम करता था, आज तारीख में ये पोजीशन है कि 20-25 कारीगर काम कर रहा है, कम से कम 40-50 कारखाने थे, वो कारखाने एकदम बंदी के कार पहुँच गए हैं। आपने खुद मार्केट में देखा चल के, सिर्फ 2 या 3 कारखाने इस समय चल रहे हैं, वो भी हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन खुलते हैं। इस कोरोना महामारी के चक्कर में यहाँ का व्यापार, छोटा व्यापारी और छोटे दुकानदार और जो छोटे छोटे गांव से जो कस्बे से लोग आते थे अपना खेती वगैरह काम करके, यहाँ पे काम करके अपने बच्चों के जीवन आज का कर रहे थे, वो आज सब परेशान हैं, बल्कि भुखमरी के घर पहुँच गए हैं। और लघु उद्योग में आता है, एक तरह से छोटा उद्योग है ये, कहाँ कितना बड़ा कारोबार था यहाँ का कारोबार काफ़ी बड़ा था और इससे बहुत से छोटे परिवार चल रहे थे। कुल मिला के समझिए कि अगर 250-300 मजदूर काम कर रहा था तो समझिए 2.5 से 3 हज़ार लोगों की जीविका चल रही थी। आज की तारीख में वो 2.5-3 हज़ार आदमी घर पर बैठा हुआ है, बंदी के कगार पे है, जितनी मार्केट सब बंद है और ताला लगने के कगार पे है, क्योंकि मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, गुरुद्वारे बंद हैं। रेवड़ी पेठा और इलायची दाना जो भी काम है वो सिर्फ इन्हीं से जुड़ा हुआ है खासतौर से।